चंदा सा चेहरा जब आता है याद तब दिन में भी छा जाता है रात का समा क्या लिखा तुमने? बहुत कुछ, जितना सिर्फ आप समझ सकी। आपने क्या लिखा? उतना ही जितना तुम समझ सको। दिखाइए। ये हमें दे दो, हमसे कोई हाथ चला की ना। क्या कर रहा है यार? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे यार इंदर, अपन लोग तुम्हारे प्यार के दहलीज पे खड़े चौकीदार की तरह है। अपन से कोई भी बात राज नहीं रहनी चाहिए, समझे? पल्लो जी, आपका लेटर लाइए। नहीं, अरे तू उधर देख, अपनी इधर देख के पढ़ता है। और सुन, अखबार की तरह मत पढ़ना, प्यार से, ऐसे रोमांस के साथ पढ़ना कि इनका रोम रोम प्यार ही प्यार पुकारे। ए ललन, तेरे में क्या लिखा है? कुछ नहीं यार, यहाँ पर तो मेरा जीवन कोरा कागज है। मेरा भी, मेरा तो इतना सफेद है जैसे ड्राई क्लीन किया हो। कमाल है, भला मेरा कागज तेरे कागज से सफेद कैसे? वो इनसे पूछते हैं। हंसते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे यार, हमने इतना मार खाया, इतना लफड़ा किया, इतनी मुश्किल से तुम दोनों को एक किया, सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रहो। तुम लोगों को प्यार करना नहीं आता? अगर ऐसे ही प्यार कर रहे तो अपने अपने घर में बैठ के प्यार करो। तुम दोनों ने अपन लोग को उल्लू बनाया, इसलिए आज से हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। चल ललन, चल ललन। सुनो तो। अरे नहीं सुनना है। अरे कहाँ जा रहे हो? गुड बाय। गुड बाय। क्या वो लोग हमसे इतना नाराज हो गए कि हमें छोड़कर चले गए? तूने सही खुनस दिया है ना? अब देख अपने आप किस करेगा वो। शायद वो लोग चाहते हैं कि मैं तुम्हें छू लूं। कैसे? कि मैं अपनी उंगलियों से तुम्हारे होठों को छू लूं। क्यों? नहीं नहीं, शायद वो लोग चाहते हैं कि मैं अपने होठों से तुम्हारे होठों को छू लूं। प्लीज ऐसा मत कीजिए, वरना हम यहाँ से भाग जाएंगे। मैं तुम्हारे होठों को छू रहा हूँ। देखिए, हम चले जाएंगे। हेलो, पकड़ 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 आज का दिन बहुत अच्छा है, पकड़। छोड़ना मत। इंदर 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 पकड़ 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 ललन भैया, देखो इंदर को न मारे। रुक जाओ रुक जाओ। नहीं नहीं, मत रुको, कोई नहीं, मारने दो, जितने जी चाहे मारने दो। भैया ऐसे मत जाइए प्लीज, एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए।
हमसे नफरत मत कीजिए। नफरत करने के लिए आदमी को जिंदा रहना पड़ता है, और तुम्हारे लिए ये विकी भैया मर चुका, हमारी कोई बहना नहीं है। हमसे नफरत मत कीजिए, हमारे दिल में तुम्हारे लिए नफरत के अलावा कुछ नहीं है, और जब हमारे भाइयों को पता चलेगा हमसे ज्यादा वो तुमसे नफरत करेंगे, और तुम्हारी मां भी। इंदर, अब क्या होगा? हमने सोचा भी ना था कि ऐसा सब कुछ होगा। अब हम क्या करें? इस मुंह को लेके अपने भाइयों के पास जाए? मां से तो हम नजरें भी नहीं मिला पाएंगे, ये सब हमसे सहा नहीं जाएगा, हम वापस घर नहीं जाएंगे। क्या हुआ विकी? विकी, विकी क्या हुआ बेटा, बता तो सही, तू इस तरह क्या हुआ? गई भाई साहब, इस घर की राजकुमारी चली गई। ये तो क्या कह रहा है विकी, ये कैसे? अगर वो किसी और के साथ भाग जाती तो हमें इतना दुख नहीं होता, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस दिन प्रीति भैया ने हमें रोक लिया, वरना हम उसकी हड्डी पर सीट तोड़ देते। क्यों रोक लिया उन्होंने हमें? पहली मत बुझा, जो भी कहना साफ साफ कह। उस कमी ने इंदर के सीने से लिपट गई और कहने लगी कि अब वो उसकी हो गई, उससे प्यार करती है वो, ये हमारे मुंह पे कहा उसने। किसने? पल्लों ने? हाँ। अब वो इस घर में नहीं आएगी। माँ? उसी के साथ रहेगी वो। अब तुम क्या बेवकूफों की तरह खड़े खड़े मुंह देख रहे हो? वो चली गई तो चले जाने दो, मरने दो उसे। जब उसे हमारे प्यार की परवाह नहीं तो तुम क्यों आंसू बहा रहे हो? ये सब तुम लोगों के लाड़ प्यार का नतीजा है। तुम इन्हें तो उसे सर पे चढ़ा के रखा था ना, अब भुगतो इसे। फेंक दो उसकी सारी चीजें, मिटा दो हर एक निशानी उसकी इस घर से। नहीं चाहिए मुझे ऐसी लड़की। उसकी हर एक निशानी जला कर राख कर दो। रोशनी चली गई है मां, जाने दो उसे। लेकिन जिस कमीने ने हमारी पल्लो हमसे छीनी है, उस कमीने का टुकड़े करके हम इस आग में जला देंगे। क्या हुआ अंकल, कुछ पता चला? सब कुछ जला दिया। जला दिया? निकाल दिया पल्लवी को घर से। अब क्या होगा? वो मैंने देखा, वो लोग प्लेन बना रहे थे। प्लेन? प्लेन नहीं, हेलीकॉप्टर। चुप कर। उसका प्लेन था, उसके प्लेन वंदे माता पिता का कांवर में मल्टीपल से करना चाहिए। तू समझा? मैं? तू? मैं भी नहीं। अच्छा। लेकिन बाद में छोटा भाई आया। हाँ। छोटा भाई का प्लेन ये था कि इंदर को मरा जो कॉर्पोरेट का जो करना चाहिए, ये प्लेन सब लोग मानिए। अब उन्होंने तय किया कि वो चाहिए। आप समझा कितना डेंजर? मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, जो भी करना है वो आप लोग करो। क्या मुसीबत है, हो गई तसल्ली? अरे बोला था मत भेजो उसको। हाँ तो खुद क्यों नहीं गया तू? अरे मैं काय को जाऊं, तू काय को नहीं गया? अरे क्या हुआ? बहुत बुरी खबर है, पल्लवी को घर से निकाल दिया उन लोगों ने, उसकी सारी चीजें भी जला दी। क्या? और अब वो लोग कुछ करने वाले हैं। क्या करने वाले ये लोग? यही तो अपन समझ